हेलो गाइस, माय नेम इज विवेक और आप देख रहे हैं नॉलेज का ओशन। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या गाइस आपको डेजावू के बारे में पता है? डेजावू एक ऐसी फीलिंग है जिसमें किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु या स्थान हमने पहले भी कहीं देखी है। डेजावू सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वालों और मूवीज देखने वालों को होती है। डेजावू एक हमारे माइंड का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का डिसऑर्डर है। फैक्ट नंबर 4, टेम्पल रन गेम के इन्वेंटर किथ सेफर्ड और नतालिया थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इसके आर्टिस्ट किरिल तचांगोव थे और ये गेम इमांगी स्टूडियो द्वारा पब्लिश किया गया था और ये गेम 4 अगस्त 2011 को रिलीज किया गया था। टेम्पल रन क्लासिक गेम 27 मार्च 2012 को गूगल प्ले में रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 3, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी है और ये वेटिकन सिटी यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी पॉपुलेशन 2017 के मुताबिक 800 है। फैक्ट नंबर 2, क्या गाइस आप रबिक क्यूब्स गेम के बारे में जानते हो? ये गेम 1974 में अर्नो रबिक द्वारा खोजी गई थी। इस गेम को 1918 में जर्मन गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। 2009 तक 350 मिलियन रबिक क्यूब्स बिके गए थे। व्यापक रूप से ये खिलौना दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला खिलौना भी माना जाता है। इस गेम में 6 अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं जिसमें सफ़ेद, लाल, नीला, नारंगी, हरा, लीला, ये कलर्स होते हैं। इस फैक्ट के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जापान के पास है जो कि 195 कंट्रीज में से 191 कंट्रीज में चलता है और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर के पास है जो कि 119 कंट्रीज में चलता है और तीसरा साउथ कोरिया और जर्मनी के पास है जो कि 189 कंट्रीज में चलता है और 84 नंबर पे हमारा इंडिया का पासपोर्ट है जो कि 58 कंट्रीज में चलता है। गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। मैं ऐसे ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।